असलम वेलकम टू समाउंज आई एम योर होस्ट पज़ल मुश्ताक सो दोज़ ऑफ यू हु वॉचिंग माई शो आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स और थोड़े बहुत इन्फ्लूसर्स के साथ भी इंटरव्यू कर रहा हूँ बट आज मेरे लिए बहुत एक स्पेशल डे है क्योंकि क्रिकेटर्स का इंटरव्यू कर करके मैं हो गया था बोर सीधी सी बात है एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट द फिल्म एंड आर्ट एंड ऑल ऑफ़ दैट और आज हमारे साथ उसी फील्ड के एक फिल्म की कास्ट के लोग हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड क्यूरियस एट द सेम टाइम टू टॉक टू दैम वी हैव द कास्ट ऑफ टिकसाली गेट

करने में मजा तो आता है हाँ। लेकिन मैं बहुत कम प्रमोट करता हूँ चीजों को अच्छा <laughs> क्योंकि मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ हाँ। कि जब आ, फिल्म लोग देखेंगे हाँ। उसके बाद वो सही राय देंगे सही और उसके बाद प्रमोशन होनी चाहिए अच्छा सही वकास आप बताएं कि वाइट टक्साली गेट एंड व्हाट्स द फिल्म रियली अबाउट वाइट टक्साली गेट मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ आपको बेसिकली ये मूवी एक तो रूटीन से हटके मूवी है वो नहीं है जो आप लोग देख रहे होते हैं रोम है। और है। सेकंड ये की उस मूवी कुछ ऐसी चीज होती है जो आपका दिल चाह रहा होता है कि करें यार वरना फिर हम ड्रामा ही करते रहते पूरी जिंदगी हाँ। और सबसे -सब अच्छी इसकी बात ये थी इसकी प्री प्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग थी पैसे अच्छे प्री प्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग थी प्रोड्यूसर -प्र को इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी

तो बहुत कुछ सीखने को मिला है और आ, उमर मेरा इस फिल्म में कुछ भी नहीं लगता है देखने में लगेगा तो विलन ही ऐसा नहीं है उमर उम्र विलन है। ट्विस्ट डाला हाँ। अच्छा और ये उम्र के साथ जो है वो चीमा साहब भी है शेरयार चीमा शफकत चीमा साहब के साहबजादे हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया

नहीं मेरे मेरे साथ थोड़ा सा इस तरह से है कि शायद बहुत ज्यादा पॉजिटिव रोल्स भी एक टाइम ऐसा था कि जब कोयटा से काम शुरू किया तो वो लोग मुझे नेगेटिव वो नहीं, नहीं नहीं यार नेगेटिव नहीं यार इतनी अच्छी वॉइस है पर्सनालिटी है आप ये कर ले आप ये रोल कर ले तो फिर पहली दफा मैंने अपने सारे बाल कटवा दिए कि जी मैं अब नेगेटिव भी करके दिखाऊंगा आपको तो वो फिर नेगेटिव इतने अच्छे लोगों को लगने लग पड़े तो वो फिर नेगेटिव हो गया इस फिल्म में आप आ, मैं नेगेटिव रोल में नहीं हूँ अच्छा इसमें किरदार है अच्छा किरदार और सिचुएशन हम बता देंगे तो फिर, अच्छा। फिर लोग देखने आँ, नहीं आएंगे आँ, क्योंकि ये ना एक हाँ मिस्ट्री हाँ। इसमें ये ना एक क्राइम थ्रिलर है हाँ जी आ, तो सस्पेंस भी है वो हम इतना मुश्किल में है इसको प्रमोट करने में क्योंकि वो कुछ ज्यादा बता नहीं सकते इसके बारे में सही

Uh, मुझे जब डायरेक्टर साहब की कॉल आई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे पता है कि आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी ऑपोजिट है आपको लोग जो है हमेशा पॉजिटिव और उस तरह से फन लविंग गाय में देखना चाहते हैं इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट देना चाह रहा हूँ आपको ताकि आपको भी चैलेंज मिले कुछ एक्टिंग में और फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसमें कास्ट में ये लोग हैं आप इनके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे तो मैं तो वहीं सोल्ड हो गया मैंने कहा ठीक है डन इन लोगों के साथ काम करना इनके साथ स्क्रीन शेयर करनी है आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट है तो आई डू इट और मैं भी एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था कि देखें तो सही कि

In the film. Yeah. वो बहुत, अच्छा काम किया उन्होंने. वो बहुत आ, आपको कर देती है, साथ में आप कि तो वो, वो वो नहीं नहीं yeah. और आपको थोड़ा सा वो गाइड भी कर देती हैं जस्ट इन के आ, नहीं पीछे हो जाओ मेरा कैमरा काट रहे हो hmm. मतलब <laughs> <से के, नहीं laughs> उस तरह से तो इट वॉज गुड अच्छा तो कुछ शक नहीं है

फिल्म में है ही प्री प्रोडक्शन फिर आपने तो एग्जीक्यूट करना है एग्जैक्टली exactly. और उसके लिए आपकी प्री इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जब आप तो फिर मेरे ख्याल से अली भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं वो लिया hmm. उन्होंने इतनी कर ली है hmm. और उनको सबसे अच्छा काम अभी जो आता है ना वो प्री प्रोडक्शन आ गया अच्छा अब वो डायरेक्शन भी अच्छे करने लगे इसके बाद तो तो इंटरव्यू में कुछ ना कुछ तो अली भाई जो है हमारे बहुत प्री इतनी जरूरी है कि वो मेन फिल्म आपकी प्री है नहीं हर इंटरव्यू में क्लोजनेस बढ़ाते जा रहे हैं

गिलगित या नारान का गान में करना होता तो चार छह दिन वहां लग जाते हाँ जी। एक आ, सीन होता जो आपने किसी और शहर में करना होता तो वहां लग जाते बिल्कुल लेकिन ये फिल्म बहुत आ, आ, कम लोकेशन की फिल्म है क्योंकि स्टोरी जो है ना वो एक मोहल्ले की है ओके तो वो उस मोहल्ले में ही आ, और वो मोहल्ला जो है वो बड़ा शाही किस्म का मोहल्ला है बिल्कुल हाँ अंदरून लाहौर तो इसलिए जल्दी हो गया फिर वो

और फिल्म के बड़े आ, आ, क्रूशल पॉइंट पे वो गाना आता है अच्छा। और बिल्कुल ऐसे है वो गाना जैसे आ, बिल्कुल आ, नगीने की तरह उस पॉइंट पे है वो सही। और दूसरा जो इसका गाना है वो कवाली है एक बड़ी खूबसूरत जो आपको सुनने को मिलेगी सर में तो है वो ये दोनों खातन ने बड़ा अच्छा म्यूजिक किया इसका बहुत ही खूबसूरत आपको गाने मिलेंगे इसके ओके okay. uh, सर आप बताएं आपका बहुत एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री में obviously. आपको क्या चेंजेस नजर आते हैं टीवी में भी हमारे साथ मसला है है तय नहीं कर पा रहे हैं। और ना ही अभी तक हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इतनी स्टेबल हो पाई है पहले ये स्टेबल होगी उसके बाद हम इस चीज में इसके बारे में सोच सकेंगे अब जो लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी टीवी का ड्रामा और फिल्म जो चल रही है वो ऐसे लगता है कि ड्रामा ही चल रहा है ये मोलाजेट ने आके जरा हाँ जी। लोगों को थोड़ा सा इस तरह मुतव किया कि जी फिल्म वो लग रही है फिल्म लग रही है बिल्कुल तो ये अब कुछ अरसे बाद इस इस बहस पे हम तवज्जो दे सकेंगे मेरा नजरिया ये है कि यार ये काम हो रहा है तो होता रहे तो ज्यादा बेहतर है होते 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 हम ठीक होते चले जाएंगे और तो फिर छांटी भी होती चली जाएगी कौन सा एक्टर फिल्म में ज्यादा शूट कर रहा है कौन सा डायरेक्टर फिल्म के लिए बेहतर है कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म के लिए बेहतर है बस अलम मेरी तो सिर्फ ये होती है कि जी जो फिल्म बनती है उस पर प्रोड्यूसर पैसा लगाता है आर्टिस्ट मेहनत करते हैं तो वो अगर चल पड़े पब्लिक उस पर आ जाए और उसको चार पैसे मिल जाए तो फिर उससे ये होगा कि वो प्रोड्यूसर फिर दूसरी फिल्म की भी हिम्मत करेगा बिल्कुल। तो इस तरह फिल्में बनना शुरू हो जाएंगी तो होप पे दुनिया कायम है हमें भी होप रखनी चाहिए क्रिटिसिज्म का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जब तक आपकी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो चुकी तब तक आपको क्रिटिसाइज भी नहीं करना ठीक है हम गलतियां करेंगे हमें कमी होगी और हम बढ़ते चले जाएंगे आप ज्यादा नहीं परेशान हो <laughs> बाल बाल गिर जाएंगे इस चक्करों में कुछ भी नहीं रखा <laughs> तो उमर आप बताओ कि आपने ड्रामे किए हैं दिस इज योर फर्स्ट फिल्म आई एम नॉट नहीं नहीं दिस इज माय थर्ड फिल्म इससे पहले वाली दो भी बताओ इससे पहले कारमा की थी एक मैंने और उस, उससे पहले मैंने वजाहत भाई की मूवीज में दो मूवीज में जो मैंने गेस्ट अपीयरेंस की छोटे छोटे कैरेक्टर्स है बेसिकली राइट में आपको डिफरेंस लगता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस हां हां मतलब मेरे बहुत कुछ ठीक है मैं अच्छा, अच्छा। बहुत बहुत किसी का आपको एक्चुअली आप तो बहुत जैक्टर हो गया हूं इसके जो टीचर वो ابو आलिया साहब तो कितने हुडलों में खाना खिला के सिखाता बहुत बहुत सारा मतलब इनको जिस दिन दिन खाना खिलाएगा ना सर उस दिन वो पोस्टर बनवाएंगे हम कि हमारे दोस्त ने है, क्या क्या है पोस्टर में लिखा होगा हमारे दोस्त ने अपने पैसों से हमें खाना खिलाया भी बैठा खाने में अपना पानी मंगवा लेता मैं मैं चाहता हूँ वो पेट भर के खाएं और मैं उन्हें देखो हालांकि 25 लाख रुपए जीते हैं ये उस शो से अच्छा। तो आई थिंक आई एम सारोक्वा स्टिक ट्रीटमेंट मैं आपको क्या मैं लाहौर सारे को ले जाता हूँ? 25 लाख बहुत पैसे होते हैं पैसे कहाँ रखे हैं वो 25 लाख पास ही हैं पास ही हैं है अभी जेब में एक चेक एक हाँ। चेक क्या बेटा कैसा लगा बहुत अच्छा था नहीं साहब मजा आया आप मुझे आपके साथ काम करके और आपके साथ जो किस्से सुनने को मिले ना मुझे सबसे मजेदार चीज़ टक्साली की अगर मैं कहूँ लेके जो निकला हूँ मैं वो आपके किस्से थे मज़ेदार हर जगह सुना रहा है ये जो आपने मना भी किए थे <laughs> यासिफ का का। के, का का <laughs> के साथ एक बहुत, था। 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 बहुत, बहुत, था। बहुत था। <laughs> अच्छा रिलेशन में अभी इन्होंने कहा बड़े भाइयों की तरह छोटे भाइयों की तरह है और आलम के साथ भी यही है वकास के साथ भी हमारा ऐसी रवैया बात ये होती है कि जब फिल्म स्टार्ट होती है मैं जब उसमें होता हूँ तो कोशिश ये होती है कि एक बहुत फ्रेंडली माहौल हो काम वाला माहौल हो एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो एक दूसरे से प्यार हो बिल्कुल और एक दूसरे के साथ डिस्कस करके अगर सीन किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है तो इस लिहाज से हमारी पूरी टीम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रवैया रिलेशन था हम लोगों ने कोशिश की है कि बेहतर आर्ट क्रिएट किया जाए बहुत अच्छा आर्ट हम कह नहीं सकते चूके अभी तक तो बहुत अच्छे की तलाश में हम लोग खुद है तो अभी कहां से बहुत अच्छा होगा कोशिश हमने की है कि एक बेहतर फिल्म लोगों को देखने को मिले और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि जी सिनेमा आप

नहीं तो हम वैसे फिल्म और टीवी की बात कर रहे थे आप सारों का बहुत टीवी इंडस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक एक्सपीरियंस रहा है व्हाट डू यू प्रेफर टीवी और फिल्म्स व्हाई बड़ा मीडियम मेरा असल में थिएटर से ताल्लुक है तो थिएटर के बाद टीवी नहीं किया जा सकता uh, क्योंकि टीवी ये इतना सा मीडियम है उसमें आप ना बॉडी लैंग्वेज है ना कुछ कर सकते हैं सही

उस तरह का कोई भी ड्रामा नहीं बनता है। तो आपको वो कैरेक्टर करने को मिलता ही नहीं है मैं लाहौर से आगे मैं एक हकला था और हीरो था आ, टीवी में आपको ये मार्जिन नहीं मिलेगा कोई तो ये बड़े आ, टीवी के ये मसाइल हैं जो जिसकी वजह से मैं शायद बट एक और भी इशू है ना कि जिस तरह जो एक्टर्स ड्रामो में आते हैं वो ही आ, फिल्म्स में आने हाँ, मैं ये भी नहीं चाहता क्योंकि आपको मौका ही नहीं मिलता अगर आप टीवी कर रहे हैं तो वो इतना लंबा लंबी कमिटमेंट होती है फिर एक एक दो दो ड्रामे आपको साथ करने पड़ते हैं तो वो जब आप कर रहे हैं तो आप किसी फिल्म के लिए कैरेक्टर नहीं बना सकते हैं टीवी में भी आपको कैरेक्टर नहीं बना सकते वो टीवी आपका जो है ना वो ड्रामा आपका कोई छह महीने आठ महीने दस महीने में शूट होता है तो आप दस महीने तक एक लुक लेके अगर घूमेंगे

और अभी जो अभी सिचुएशन है लास्ट मैंने चेक किया था डेढ़ दो महीने में तो बहुत ही बुरे हालात हैं मतलब मैं खासे, 50 के करीब आपकी मैक्सिमम मूवी पे गई हो जो मुल्क के हालात है, है वही रिफ्लेक्ट करेंगे इंडियन मूवीज खुलनी चाहिए इंडियन मूवीज कुमार की फिल्म लगाते जाएंगे

तो उन पर इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो डील नहीं बन पाती पाकिस्तान से इतना ज्यादा डील नहीं कर पाते फिर वो अगर उस पर चली जाए तो सब लोग देख लेंगे और उस वो इतने पैसे नहीं आपको ऑफर करते कि आप वो फिल्म सबको दिखा दिखाते अच्छा तो फिर ये जाती हैं आपके प्लेन्स में एयरलाइंस जी तो वहां चलती हैं कुछ अरसे और छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो यहाँ नहीं चलते वहां पे लगती हैं तो प्रोड्यूसर वहाँ से पैसे कमाता है उससे उसके बाद आके कहीं वो यूट्यूब पर लगा देता है अच्छा, तो में वैसे दो-तीन आ गए जैसे तमाशा है। है, आपको पाकिस्तानी मूवीज मिल रही सिनेमा के बाद से। और सबसे बड़ा है। जितने भी सिनेमा आपके जहाज है उस पर लग रही है पाकिस्तानी तो वही वाली बात है, फिल्म अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल। सही।

तो वो फिर अगली फिल्म भी स्टार्ट कर सके तो इस फिल्म से होप क्या मतलब उम्मीद होप तो बहुत ज्यादा है और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह करे ये फिल्म चले और लोग बस सैनमा हाउस में एक दफा आ जाए और आप मजा कर लेंगे इस फिल्म आई थिंक सब एक दफा ट्रेलर देख लेना हर किसी को क्यूरियोसिटी होगी ये फिल्म देख मैं वो प्रमोशन की जो बात हो रही है माशाल्लाह हमारी इस मैंने देखा ये फिल्म की प्रमोशन भी बहुत अच्छे तरीके से की गई है और प्रमोट भी इसको काफी किया गया है

यार ये कौन सी फिल्म है जो पी लड़का देख रहा है अभी नहीं पता <laughs> जबरदस्त है मुझे भी बताना यार लिंक भेज देना लेकिन अपर वाला अच्छी बात है और बस ये है कि भाई अच्छी फिल्म अच्छी टीम के साथ बनती है और प्रोड्यूसर का अच्छा होना बहुत जरूरी है जब प्रोड्यूसर आपको छूट दे दे कि यार आप अच्छा काम करें तो फिर सब मिलजुल के टीम वर्क का काम है यार इसमें सोलो कोई भी नहीं चल सकता बिल्कुल अगर डायरेक्टर ये समझे कि मैं सोलो फ्लाइट चला नहीं चलेगी या सर कहूंगा जो है हमारे उनका भी बड़ा शुक्रिया उन्होंने जब शुरू की और जब खत्म होनी थी उसी डेट पे खत्म के साथ कोई इंसाफी नहीं हुई फुटबॉल okay. अच्छे से बट जिस तरह आप लोग का इनपुट था अपने कैरेक्टर्स को लेके कि मतलब या आपने बिल्कुल डायरेक्टर्स के विजन को सरेंडर किया होता नहीं है कैरेक्टर के हिसाब से तो एक्टर का अपना इनपुट होता है ना बिल्कुल डायरेक्टर ने कहानी सुना दी उसने कैरेक्टर बता दिया फिर ये खुद अपने गेटअप चीजें टोन ये सारा कुछ फिर डायरेक्टर बनाता है और तो वो फिर स्क्रीन पे देखने वाले को अच्छा लग रहा होता है तो बस वही कामयाबी हो जाती है बिल्कुल बट एज ए न्यू कमर उमर रिलेटिवली आपको लगता है कि यू हैव दिस से इन योर कैरेक्टर्स क्या ऑफ कोर्स मतलब मैं भी उस फिल्म में कैरेक्टर का पार्ट प्ले कर रहा हूँ तो हुँ. मेरा भी उतना ही उसमें रेशो होना चाहिए इनपुट का जितना of बाकी एक्टर्स का होगा hmm. लेकिन

आई थिंक नैयर साहब का मैं इसलिए नहीं कहूंगा नैयर साहब कोई भी कैरेक्टर कर सकते हैं मैं इनकी हर जगह मिसाल देता हूँ बहुत पहले इनको uh, देखा था uh, इनका जो ड्रामा शोरा फाक ड्रामा जब धूं धुआ तो मुझे लगा था ये ऐसे ही कोई अमीर आदमी है ये इसका इतना ही बड़ा घर होगा तो मुझे यकीन था ये ऐसे ही ओके जब तो तो जब मैं जंजालपुरा हाँ, देखा था तो मुझे लगा था कि ये ये, ये आदमी आदमी कोई और है ये वो नहीं हो सकता तो जब आप इतने कर लेते हैं कैरेक्टर हाँ तो है। तो, को कोई को मुश्किल है तो इनका मैं नहीं कहूंगा आयशा उमर आई थिंक काफी चैलेंजिंग था आयशा के लिए आयशा जिस तरह के आयशा ने बहुत ज्यादा टीवी भी नहीं किया हुआ है फिल्म भी

वो भी नए अंदाज का एक रोल करने की कोशिश की है सही। आप आदमी कोशिश तो करता है कि यार नया नई चीज की जाए हाँ। तो बस कोशिश है और मैं हाँ। वही कह रहा हूँ जैसे हमारा यासिर के बारे में तो मैं इसकी डायरेक्शन में भी इनके काम किया हुआ हम लोगों का ना आपस में वो बात सेटों पे ये हो जाता है कि जैसे मेरे साथ थोड़ी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि को आर्टिस्ट जो है वो काम करते हुए कहता है जी इन हटाओ हुआ है खा जाने मतलब मैं अक्सर कहता हूँ यार मैं शेर जो सेट पे खा जाता सबको भाई जिस एक्टर ने अपने कैरेक्टर पे काम किया होता है वो दूसरों से अलग लगेगा ही लगेगा अगर उसने काम किया हो बिल्कुल और जो नहीं कर पाते वो बेचारे फिर इस तरह की बातें करते इस सेट में मुझे ये कॉम्प्लेक्स मेरे इर्द गिर्द फील नहीं हुआ और ना मैं किसी को डोमिनेट करने की कोशिश करता हूँ मैं इस तरह का हुई नहीं बिल्कुल भाई मेरी रिसर्च ज्यादा होती है दूसरे एक्टर से तो मेरा काम थोड़ा ठीक हो जाता बिल्कुल इज uh, मैं नॉर्मल सबके साथ बिहेव करता हूँ और टीम के तौर पे चलने की कोशिश करता हूँ okay. तो चाहे कॉमेडी हो चाहे विलन हो चाहे पॉजिटिव रोल हो अगर आपका अपने बारे में जो एनालिसिस है वो प्रॉपर है तो फिर आप चीजें अलग कर सकते हैं तो मेरी सिर्फ ये कोशिश होती है कि मैं अलग अलग काम करूँ और उसमें अल्लाह तला बरकर डाल देता है और काम वाम तो आता नहीं है अभी तक तो हम उस तरह का काम नहीं कर पाए जो दुनिया में जाता है तो वो उसकी कोशिश में है तो सर आप आप भी वैसे यू डायरेक्टर एज वेल वुड प्रेफर डायरेक्शन 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 और एक्टिंग एक्टिंग यार दोनों काम ही बहुत uh, बहुत ऑब्वियसली फर्स्ट लव है है मगर मुझे में में मजा आपने इस फिल्म में कुछ किया नहीं नहीं मैं कह रहा, एक सीन था, हाँ, हाँ। तो के आगे था। अच्छा तो वा वा और हम लोग डायरेक्टर के काम में नहीं घूटता ना या सर ना कोई सही वैसे आप लोगों को ये कैरेक्टर्स मिले कैसे यहाँ पे भी क्या ऑडिशन का वो स्कोप होता है या फिर मुझे ऑफर हुई थी आ, मैं एक फिल्म कर चुका था विद द सेम डायरेक्टर तो मुझे ऑफर हुई मुझे स्क्रिप्ट पसंद आया मैंने सही और नहीं सर आपको भी ऐसी होगी हां सेम ऐसी एंड व्हाट अबाउट यू उमर कॉल कर रहा था बहुत ज्यादा उमर बहुत कॉल <laughs> करता था उमर ने, ने, <laughs> हाँ, हाँ. ने इतने खाने खिलाए उमर ने तीन आईडी बनाई <laughs> हुई थी वो को फॉलो करता था हाँ उमर ने इतने खाने खिलाए कि डायरेक्टर को बद अजमी होगी वहां पहुंच जाता था मिलने के बाद उमर हर किस्म के काउच रहता है <laughs> <laughs> नहीं उमर का तो जो तमाशा के बाद इनका जो सीन हुआ है लाइक आई सीन यार देखे इस शो में तो ऐसा कास्टिंग काउच तो नहीं हुई <laughs> 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 नहीं नहीं, नहीं साहब <laughs> खोल के उम्र से आपके अभी भी डू यू स्टिल टॉक टू आदि आई सी

ड्रामे जैसी थी ड्रामे से अलग जरूर थी लुक एंड फील में, स्टोरी वाइज, वाइज, एक्टिंग मगर और बहुत सारी चीज़ें जो हम अलग कर सकते थे, वो नहीं uh, वो नहीं नहीं की, क्योंकि टीवी पे फिर आके कुछ आ जाती हो सकता। अच्छा, उमर आप बताएं कि आपका मेहरबानों के साथ लाइक हाउ इटर पहले पहले था मैं बट देन आई केम टू नो अबाउट के उसने तमाशा देखा हुआ है अच्छा। <laughs> तो फिर मेरे लिए वो प्ले ग्राउंड ईजी हो गया क्योंकि वो हाँ। आइस ब्रेक हुई हुई थी हाँ, शी न्यू ऑलरेडी कि मेरी पर्सनैलिटी किस तरह की है हाँ। और फिर शी हैड सो है क्वेश्चन अबाउट तमाशा मुझे बताओ उसमें क्या हो रहा है सबसे ज़्यादा तो वो उससे हमारी आइस ब्रेक बहुत ईजीली गई थी जब आइस ब्रेक हो जाती है तो फिर उसके बाद फिर वो कोई रहता नहीं आपका इंटीमेंटेशन वाला जो है कि आप किसे हो रहे हैं अभी बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग uh, है बहुत आसानी से uh, काम कर लेती हैं कोई उसका वो नहीं है उनका कि नहीं मैं नहीं करूंगी अभी ये नहीं होगा हुँ. ऐसे नहीं होगा इनको नहीं शी वाज वेरी ओके सही वी डोंट हैव ए फेडरमर टुडे बट लाइक उनका क्या कैरेक्टर है उनका बिकॉज़ आई हैव सीन इन द ट्रेलर शी इज प्लेइंग अ लॉयर आई थिंक व्हाटस दैट लाइक फेडरमर नहीं है तो अच्छी बात है वरना जितना लेट ये शो हुआ है काफी कुछ हो जा होगा सेशन कोर्ट की लॉयर दिखाई है वो सही एफर्जी तो कमाल है और बड़ी अच्छी डिलीवरी है उनकी और डायलॉग्स की और बहुत ही अच्छा उन्होंने भी काम किया है मेरा उनके साथ कोई ऐसा सीन नहीं है हमने एक जगह शायद एक शॉट में हम लोग एक साथ एक शॉट है उसके अलावा हमारा उनके साथ कोई सीन नहीं है तो हम ज्यादा नहीं बता सकते उसके बारे में बाकी हम लोगों का जितना काम है मेरा और आई का ज्यादा काम हमारा आपस में जो है ना वो शायद हम दोनों का सबसे ज्यादा काम है ओके। या फिर हमारा मेहरबानों के साथ है ठीक। या मीरा आयशा उमर के साथ

सब लोगों का अपना अपना कैरेक्टर होता है बिल्कुल मैंने तो कभी ये बॉडर भी नहीं हुआ मैं कि कितने सीन है मेरे और किसके ज्यादा सीन है और किसके काम हमें शायद किसी ने भी ये काम नहीं किया फिल्म में जहाँ जरूरत है ना वहाँ वो कैरेक्टर आ जाता है बस और यही सबसे बेहतर होता है आपके अगर मेरे अगर उसमें दस सीन ज्यादा होते हैं और वो गैर जरूरी सीन होते मुझे फिल्म देखते वक्त शर्मिंदगी हो रही होती कि यार ये सीन काट देना चाहिए बिल्कुल अब नैयर साहब मौला मौलाज में जितने हैं ना आई थिंक उतने की ही जरूरत है इम्पैक्टफुल है वो बहुत आप और देखना चाहते हैं कि यार ये बंदा और होता टोटली ये सबसे अच्छी फीलिंग है एक आर्टिस्ट के लिए लोग उसे और देखना चाहे आप रच जाएंगे यार ये क्या इसको हटाओ भाई बार बार क्यों आ जाता है उससे बेहतर है।, है कि लोग लोग यूएन जैसे घोर को बहुत अच्छे टाइम पे मारा था हमारे जेड में घोर को बहुत अच्छे टाइम पे मारा yes. है <laughs> नहीं वैसे सिचुएशन वैसी है रो यासिर आप बताएं आई रियली नीड टू आस्क यू दिस विल आपने एक फिल्म की जावेद इकबाल पे वो बहुत प्रॉमिसिंग लग रही थी आई एम वेरी मच इनटू दैट दोस काइंड्स ऑफ फिल्म और ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है ऑब्वियसली विल दैट फिल्म एवर सी द लाइट ऑफ डे अह आई थिंक इट हैज सीन द लाइट ऑफ डे बट वो उतनी चॉप हो चुकी थी टाइम गुजर चुका था प्रमोशन किए बग़ैर प्रोड्यूसर ने लगा दी हमारे यहाँ ना मेन मसला जो है वो ये है कि ऐसे प्रोड्यूसर भी आ जाते हैं फिल्म बनाने के लिए जिनको लकीली को अच्छा स्क्रिप्ट मिल जाता है मगर वो उस फिल्म को बर्बाद कर देते हैं जावेद इकबाल एक ऐसी मिसाल है उस एक गलत प्रोडक्शन की कि उन्होंने फिल्म तो बना ली मगर वो उनको लगानी ना आई अगर वो बैन हो गई थी तो आई थिंक उसको हमें फेस्टिवल्स में भेजना चाहिए था दुनिया भर बिल्कुल वो एक फेस्टिवल में गई उसमें भी ना उसमें डायरेक्टर के साथ ना प्रोड्यूसर के साथ मैं अच्छा। के ले ही चला गया के साथ और वहां से हम अवार्ड भी जीत कर ले आए बट अच्छा। उस चीज की भी कोई प्रमोशन नहीं हुई नो जैसे जॉयलैंड जब गई उन्होंने कितनी प्रमोशन की तो ये प्रोड्यूसर करता है प्रोड्यूसर ने कुछ किया ही नहीं फिर उन्होंने किसी और फेस्टिवल में भी नहीं भेजी बट वो फिल्म को यहाँ पाकिस्तान में रिलीज कराने में लग गए उस पर उन्होंने पूरी फिल्म चॉप करके सब कुछ काट के नाम चेंज करके उसको पाकिस्तान में चला दिया बगैर प्रमोशन के किसी को पता ही नहीं चला फिल्म आपको भी नहीं पता चला कि फिल्म लगी और उतर गई अब आप देखना चाहते हैं वो फिल्म बट वो रिलीज हुई आपको ये बात भी नहीं पता कि रिलीज हुई तो इसमें किसका कसूर है प्रोड्यूसर का कसूर तो प्रोड्यूसर इस तरह की कुछ चीज़ें करते हैं बट ओवरऑल uh, मुझे लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा बड़ा uh, जो uh, काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि प्रोड्यूसर्स के साथ बहुत ज़्यादा हो रही है बेचारे आते हैं अपना पैसा लेके फिल्म बनाते हैं और अमूमन डायरेक्टर्स जो है वो बस अपना शौक़ पूरा करने के लिए फिल्म बना देते हैं और वो ना चलती है ना उसमें कोई कंटेंट होता है ना सब्सटेंस होता है तो प्रोड्यूसर के पैसे भी जाया होते हैं फिर वो दोबारा बनाता भी अगर प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा फिल्म बनती रहेगी कलाकार जो है ना नए नए आते रहे बट लास्टली आई वु लाइक टू आस्क वकासर आपने बाईस दिन में

तो आपके तो मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं था ना उसका किसी चीज पर कंफ्यूज नहीं था उसे पता उसने करना क्या आगे वो इतना शोर था अपनी चीज को लेके कि अगर नैयर साहब भी बोलते यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही वो इनको कन्वेंस कर लेगा जो हमारे डायरेक्टर थे वो कन्वेंस भी करते थे और वो वही चीज करते थे एक इनके एंगल से करते थे या अपने एंगल से करते थे जैसे मुझे कुछ चीज़ों पर एतराज था कि बहुत पंजाबी ना करना तो उन्होंने उतनी पंजाबी की जितनी मैंने बोली थी उससे ज्यादा की बल्कि उन्होंने बिल्कुल बात नहीं सुनी मेरी और तो बाद में हुआ बिल्कुल सही उन्होंने उस मूवी का एसेंस ही पंजाबी था ये, ये वो अक्षय कुमार वाली ना कि पहले सी क्यों वो मैं उस जगह गलत था और हाँ। वो बिल्कुल ठीक थे हाँ। क्योंकि वो जब मूवी देखी ना हमने प्रीव्यू किया वो पंजाबी में ही अच्छा लग रहा है जहा जहा ये लोग बोल रहे हैं

ये इसका मतलब है उर्दू इसका मतलब है इंग्लिश ठीक है।, है और अगर मैं बताऊंगा कि ऐसे बोलूंगा तो तीन लफ्ज हैं ठीक है, है।, है? ऐसे बोलूंगा तो दो लफ्ज हैं फिर इसमें हम कह रहे हैं पहला दूसरा तीसरा ठीक है उसके बारे में फिर मैं बताऊंगा ठीक है अच्छा इंग्लिश <laughs> <laughs> इंग्लिश अच्छा। उर्दू उर्दू उर्द� दो लफ्ज से तीन लफ्ज से अभी अंधा है तू दो बता रहा उतार कर दी मैंने ले ली तीन लफ्ज पहला लफ्ज पहला लगसे। अच्छा घबराना नहीं ओह ओए वाओ यार क्या बात है यार अब उमर आप आओ आपने एक्सप्लेन करना है झटका ऐसा लिए समझ आई ये एक्टर है ना यार देखें आप

<laughs> तीन उंगलियां चार उंगलियां अच्छा अब ये पहला बता रहे हैं लव्स हम्म पहला तुम तू आप पहला तुम्हारे तेरी 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 <laughs> पहला तेरी है <नहीं>। अच्छा दूसरा <laughs> ये सारी पाकिस्तानी है हाँ।, हाँ जी तेरी मेरी लव स्टोरी आ,

ओ oh. अच्छा इंग्लिश <laughs> 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 तिलो तो मुंह तो बंद करो तुम बोल भी लो दादा <laughs> नहीं तो नहीं क्या पढ़ रहे हो सोच रहा <laughs> था क्या ये <laughs> <laughs> <तीज़े। laughs> बहुत मुश्किल उठा लिया यार <laughs> पहला <laughs> पहला एक <laughs> 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 एक एक <laughs> <laughs> किस तरह करेंगे न यार भाई इसको बताएगा अनिल साहब को बता दो <laughs> <laughs> ना तुम दिखा दो उनको पढ़ सकते हैं ये तो आप कर दे एक अब बोल <laughs> तुम्हारी बता दिया पहला एक है हाँ एक पॉलिटिशियन एक ये सब तीसरा बताया तो सही जा रहा है सही जा रहा है सही जा रहा है एक वो जो तूने नाम लिया है वो ही तो आजकल बहुत हिट है एक जरदारी नहीं पहुंच गया तू पहुंच गए जा रही है हुँ। हुँ। <laughs> हुँ। <laughs> 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 एक, अ, एक, मरियम, हाँ। मरियम, एक थी मरियम एक थी मरियम एक मरियम, मरियम, थी मरियम। <laughs> बट आई थिंक इट्स सेफ टू से ये टीम जीतती है क्योंकि आपका भी इन्होंने करके दिया हमारे बड़ों की तरह खो दिया अच्छा नहीं लगता सो सीनियर्स लगे वन इट वज रियली नाइस टू टॉक टू यू गाइज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके मुझे फिल्म के बारे में जानने को मिला द uh, प्रोसेस आप लोगों ने कैसे 22 दिन में शूट किया आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था कैरेक्टर्स कैसे थे इट वॉज़ रियली नाइस आप लोग भी प्लीज़ यूट्यूब पर जाकर सबसे पहले इसका ट्रेलर देखें टक्साली गेट का एंड देन सिक्सटीन फेवरी को ये रिलीज़ हो रही है तो आप लोग प्लीज़ सिनेमाज़ जाकर देखें बहुत ही नेक्स्ट लेवल इंटरनेशनल लेवल की फिल्म है एंड आई विल सी यू आई सून थैंक यू सो मच